नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए विश्व भर से हर व्यक्ति आने को ललाये थे। जो नहीं जा पा रहे वो मन के भाव से अयोध्या पहुँच रहे हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वगठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के वर्तमान अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अयोध्या पहुंचने से पहले मार्ग में जनसंपर्क करते हुए इस महान पर्व को उल्लास पूर्वक मनाने और हिंदू एक जुटता को लेकर चलने का आह्वान करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में तहसील लालगंज के पूरे वीरवल ग्राम सभा में पहुंचने पर उनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश प्रतापगढ़ से हरिकेश चौरसिया के साथ। यहाँ पर राम जी मानस का आयोजन हो रहा है और सर ऐसे में अगर आपको नहीं जा पा रहे हैं जो लोग घर पे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा, क्या करना चाहिए? सब लोग अपने अपने घर पे राम भजन करें। लाइव टीवी एक्सप्रेस, मैं हूँ हरकेश चौरसिया और मैं आपको अब उन जगहों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो अंतरात्मा से वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं राम लला के प्रचार प्रसार में। तो ऐसे में ही मैं इस समय मौजूद हूँ। सनातन वैदिक हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू वैदिक धर्म है, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, सनातन हिंदू वैदिक धर्म, कर्म एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा का, ऊर्जा का मैनेजमेंट का साइंस है, मैनेजमेंट का साइंस है। जिनके शरीर में, जिनके शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना आयुष्य, उतना आयुष्य, पैसे, पैसे, आरोग्य, आरोग्य, यस, यस, आनंद ज्यादा, आनंद ज्यादा। इसलिए मैं, इसलिए मैं सनातन धर्म का, सनातन धर्म का आचरण करूंगा, आचरण करूंगा, प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगा, रक्षा करूंगा, रक्षा करूंगा। मेरा, मेरा धन यश आरोग्य, धन यश आरोग्य बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए सुबह उठकर, सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, कुलदेवी को प्रणाम, कुलदेवी को प्रणाम, माता पिता के चरण स्पर्श, माता पिता के चरण स्पर्श, भगवान की पूजा, भगवान की पूजा, तुलसी को पानी, तुलसी को पानी, चिड़िया को दाना पानी, चिड़िया को दाना पानी, दिन में मंदिर में दर्शन, दिन में मंदिर में दर्शन, गाय को रोटी, गाय को रोटी, शाम को, शाम को घर में भगवान का दिया, घर में भगवान का दिया। सुनने का मैं 40 तक हॉस्पिटल, 10,000 से ज्यादा बड़े बड़े कैंसर के ऑपरेशन, मैं हर रोज 5-6 ऑपरेशन, जिनकी आमदनी 30-40 लाख रुपया प्रतिदिन होती थी, वह ऑपरेशन मेडिकल की दुनिया छोड़कर, हॉस्पिटल घर छोड़कर हिंदुत्व और राम मंदिर के लिए पिछले 30 वर्षों से घर बार छोड़कर निकला हूँ। एक शहर में मैं 30 वर्षों में 2 रात सोया नहीं। जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सर्वविदित है कि अयोध्या राम मंदिर में 22 तारीख को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिसमें पूरे विश्व के लोग वहां पहुंचने के लिए लालायित हो रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस, मैं हूं हरकेश चौरसिया और मैं आपको अब उन जगहों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं जहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो अंतरात्मा से वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं रामलला के प्रचार प्रतिष्ठा में। तो ऐसे में ही मैं इस समय मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज झारा के पूरे बीरबल ग्राम सभा में, जहाँ रंजन मिश्रा जी के यहाँ आज हिंदू हृदय सम्राट और पूर्व के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी प्रेजेंट में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अपना एक संगठन बनाकर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का एक संगठन बनाकर चल रहे हैं, उसके अध्यक्ष और प्रसिद्ध डॉक्टर सर्जन हिंदू हृदय सम्राट मैं प्रवीण तोगड़िया जी के साथ में हूँ। और इनके साथ में आज इनके वाणी सुनता हूँ और जानना चाहते हूँ कि इस अलौकिक मौके पर क्या कहना चाहते हैं। जैसा कि आपने बड़ा संघर्ष किया राम मंदिर को स्थापित करने के लिए और आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसे मौके में सर क्या कहना चाहेंगे, क्या जनसंदेश है? मेरे लिए और पूरे भारत और दुनिया के करोड़ों हिंदुओं के लिए यह विजय का उत्सव है। 450 वर्षों के 25 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद हमने मिलकर विजय का हस्ताक्षर करके भव्य राम मंदिर बना दिया है।
ये बना हुआ भव्य राम मंदिर हिंदुओं के 500 वर्षों के संघर्ष की याद दिलाएगा। हमने पिछले 40 वर्षों में 12 बार देश के करोड़ों हिंदुओं के घरों तक, लाखों गांवों तक जनजागरण किया। यह जनजागरण करने में 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने अपना पसीना, अपना परिश्रम, अपना समय दिया। इसलिए आज जो राम मंदिर बन रहा है, यह पिछले 40 वर्षों में 12 बार जनजागरण, उनमें 50 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता का पसीना परिश्रम। अयोध्या बुलाया तब लाठी गोली खाने के लिए आने वाले 8 लाख से ज्यादा कार सेवक, और जो मंदिर बना है वह 8 करोड़ हिंदुओं के सवा रुपया से बना है, उन सब धन्यवाद के पात्र हैं। अब राम मंदिर बन गया। आओ, 1528 में मंदिर टूटने के पहले हिंदुओं की जितनी समृद्धि थी वह समृद्धि सभी हिंदुओं की वापस लौटे, सभी हिंदुओं को पक्का घर मिले, बच्चों को शिक्षा, परिवार को स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार, किसानों को फसल के दाम मिले, ऐसा समृद्ध हिंदू भारत अब राम मंदिर के बाद हम मिलकर बनाए। उनका नाम है हिंदू ही आगे। यह काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल गांवों और गलियों में करता है। धन्यवाद। जैसा कि सर अभी एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, किसी को निमंत्रण मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, कोई जाना चाहता कोई नहीं जाना चाहता, तो ऐसे मौके पे क्या ये राजनीति होना सही है या इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं तो खुश हूँ और पूरा हिंदू समाज खुश है कि मंदिर बन रहा है। तो सर एक आपका नारा था अभी, आपने कुछ बताया कि कुछ एक आंदोलन छेड़ने चल रहे हैं जिसमें कि बजरंग बली का उपासना होगा और वो आप उस तरीके से कुछ जागृत करना चाह रहे हैं, ऐसे में कुछ कहना चाहेंगे? देश के 1 लाख गांव और शहर की गलियों में हर मंगल या शनिवार हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र हमने शुरू करने का शुरू किया है। लगभग 9000 हनुमान चालीसा केंद्र शुरू हो गए हैं। हम इस वर्ष में 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करके यह केंद्र के द्वारा वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, रोजगार की सेवा करेंगे। तो ये लक्ष्य जो आपने अभी जन संदेश तक पहुंचाया, तो इसमें जो आपका स्वास्थ्य भी है, रोजगार भी है, इन सब चीजों को, तो क्या आम जनमानस को क्या संदेश होगा, इससे कैसे जुड़े और कैसे इसको आगे बढ़ाएं? अब तो हिंदू ही आगे अपने अपने गांव में हनुमान चालीसा सामूहिक शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे साथ जुड़े और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अयोध्या में हर जनमानस पहुंचना चाह रहा है, लेकिन जो नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके क्या भाव हैं, जन जन तक मैं पहुंचकर उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप हमारे चैनल पर इस सब चीज़ों को देख पा रहे हैं। मैं एक छोटे से ग्राम सभा में हूं जहां भी प्रवीण तोगड़िया जी का कार्यक्रम था, वहां पर लोग मौजूद हैं और जानना चाह रहे हैं कि कल की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। सर कल प्रभु राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होना है और आप घर पर हैं, जा नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या सोच रहे हैं? सर कल हमारे यहाँ श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर एक सुंदर कांड पाठ का आयोजन है। आयोजन के उपरांत एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो समस्त आसपास के गांव सभाओं में जन जागरण करेगी और इस परम पवित्र मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हम समस्त ग्रामवासी और समस्त समाजवासी एकत्रित होकर के भगवान श्री राम के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मतलब जो नहीं पहुंच पा रहे उनके भी भाव देखिए कि यहाँ पर रामचरितमानस का आयोजन हो रहा है। और सर ऐसे में अगर आपको नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग घर पे हैं उनके लिए क्या संदेश होगा, क्या करना चाहिए? सब लोग अपने अपने घर पे राम भजन करें, मंदिरों में जो है लंगर चलेगा, सब भक्त जो है वो भगवान का भजन करके मस्त। अच्छा कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो वहाँ पर बैठ के राजनीति कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं मिला इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, क्या लगना चाहिए? निमंत्रण इंतजार करना चाहिए? नहीं, निमंत्रण आए ना आए ये भगवान की स्वयं की महिमा है। हो सकता है कि हमारे पास न उपलब्ध हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी अंतरात्मा जो है
प्रभु राम से जुड़ी हुई है और हम यहाँ रहते हुए भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और परमात्मा से कामना है कि वो हमारे साथ रहे, हमारे ऊपर कृपा फरमाएं। सुरक्षात्मक कार्यक्रम बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षात्मक, मैं इसको ध्यान में रखना हर जनवासी को। लेकिन जब कोई मंच पहुँच जाता है तो एक राजनीतिकरण बनाने लगता है कि जो हिंदू नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, अगर कोई सवाल पत्रकार कर लेता है कि क्या 2024 में हिंदू समाज एकजुट होकर भाजपा की तरफ जा रहा है या कांग्रेस या कुछ और करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि जो आ रहे हैं वही जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उनका हृदय अलग है। पार्टी से एकदम ही पूरे सनातन धर्म के सभी अनुयायी को बड़ी प्रसन्नता है कि हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब जाएं वहाँ, कोई एक ही नहीं। क्या चाहते हैं? जय श्री राम। हिंदू मुस्लिम हर आदमी जाए वहाँ, भगवान का काम है, कोई घर का काम नहीं। तो इसमें पार्टी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, पार्टियों का नाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, पार्टी का कैसे? नहीं, पार्टी का नाम पार्टीगत नहीं है। हाँ, पार्टीगत लोग बोलते हैं, पार्टी तो बीजेपी का कार्यक्रम है, यहाँ पर वही लोग जा रहे हैं जो बीजेपी का कार्य है, भगवान राम का कार्य है, ये राम सबके है, चाहे जो भी दल है सबको आना चाहिए, राम सबके हैं भाई। गाँव गाँव में जो छोटे तबके लोग हैं, जो राम नाम भजते रहते हैं, पहुँच ना पा रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? यही से सब अपना राम का नाम ले रहे हैं, यही से सब राम का नाम ले, पूरा राममय हो गया है। जय श्री राम। और एक अच्छी बात है कि जो जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ, ये क्षेत्र कहीं ना कहीं राम से जुड़ा हुआ है और ये राम पदगमन का मार्ग है। बगल में सिंगवेरपुर है और आपका ये धाम घुसमेश्वरनाथ धाम है, जहाँ पर राम जी रुके थे वहाँ पर शहर की। तो कैसा लगता है पावन क्षेत्र में आप रहकर? अरे ये तो हम लोगों की सौभाग्य है, किसी पूर्वजन की तपस्या थी कि इस क्षेत्र में पैदा हुए, ये भगवान के राम की नगरी हो। और आज हिंदू सम्राट आपके बीच में मौजूद रहे तो ऐसे में क्या लगता? आज हम तो यह कहने जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, दुनिया में ऐसे कार्यकर्ता मिलना एक सौभाग्य की बात है, हिंदुओं के लिए तो गर्व का विषय है। इन्होंने दो दिन के अंदर 32 स्थानों में हिंदुओं को जागृत करने का काम किया है। आज हमारे समझ से पूरे विश्व में दो दिन के अंदर 32 कार्यक्रम करने वाला कोई नेतृत्वकर्ता अभी नहीं सामने आया है, लेकिन आज हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा इनके अलौकिक ऊर्जा, इनके अलौकिक हिंदुओं के प्रति चिंता और संघर्ष वास्तव में दुनिया के हिंदुओं को प्रेरणा दे रहा है और सुरक्षा की कवच के रूप में मौजूद रहेंगे। तो नरेंद्र साथी जी, आप मेरे साथ हैं और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है यहाँ पे, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है उसको झंडे को आपको बढ़ाना है, हिंदुओं के आप बहुत सारे काम को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे में क्या करेंगे अब आने वाले समय में? ये संगठन हिंदू समाज का है, राम जी का है और राम जी के काज के लिए सब लोग निकले हैं, और इस ये तो हमारा सौभाग्य है कि राम जी का काज करने का मौका मिला। हम तो उस बंदर की तरह, उस गिलहरी की तरह भी नहीं है जो मिट्टी का एक कण के बराबर हम अपने आपको नहीं समझते। ये राम जी के काज के लिए निकले हैं, ईश्वर हमारी मदद कर रहा है, हिंदू समाज इकट्ठा हो रहा है और जाति पात को भूल के हिंदू संगति को मेन उद्देश्य हमारा ये है, और सब संगठित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम पहले जैसे समृद्धशाली हिंदू समाज हमारा निखर के बाहर आएगा और समाज दुनिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।